75वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के अयोध्या नगर हाउसिंग बोर्ड परिसर में अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर आयुक्त भरत यादव, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी विदिशा मुखर्जी, अपर आयुक्त एसके मेहरा, शैलेंद्र वर्मा, बीएल सोलंकी, उपायुक्त महेंद्र सिंह आर के सोनी, कर्मचारी संघ अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी समेत सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। अध्यक्ष और आयुक्त ने सभी बच्चों को पुरस्कार राशि के साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के उत्साह को बढ़ाने और उनके प्रति सम्मान की भावना रखने का संकल्प लेने की बात कही। विशेष सहयोग के लिए स्कूल संचालिका सरस्वती रघुवंशी और अभिषेक रघुवंशी को भी सम्मानित किया गया। साथ में अपर आयुक्त एस के मेहरा, परमजीत लूथरा और मीना गोयल को भी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति के लिए स्मृति चिन्ह दिया गया। अंत में विदिशा मुखर्जी ने कार्यक्रम में आभार व्यक्त किया। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम अपने परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण किसी हॉस्पिटल में उसे छोड़ करके अपने बाहर निकल आते थे, भोजन भी हम दूर से देते थे, उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेने भी जब जाते थे तो इस बात से डरते थे कि कहीं ये कोरोना हमको न लग जाए। उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि हमको डरना भी चाहिए था, लेकिन वह डॉक्टर अपने प्राणों की बगैर चिंता किए आपने अपने परिवार का कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में सौंप दिया तो दिन और रात वो मेहनत करते थे कि आपके परिवार का वो मरीज जिसको आप टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि वो स्वस्थ होकर के वापस लौटे, उन मरीजों को स्वस्थ करने के लिए वो प्राणों की बगैर चिंता किए दिन और रात मेहनत करते थे। तो हम सभी को ध्यान में है कि वह एक पुलिस का जवान, जिस समय हम परिवार में केवल 4-5 सदस्य रहते और आपस में बात करने से डरते थे, लगता था कि कहीं आपस में बात करने से तो कोरोना नहीं फैल जाएगा, तो वो पुलिस का जवान चौराहे पर खड़े होकर के दिन भर अपनी सेवा देता था। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि पुलिस महकमे के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भी रहेगी, सम्मान भी रहेगा,